और को लाइट चली जाती है और आप पढ़ नहीं पाते हो और आपकी मोबाइल डिस्चार्ज हो जाती है जिससे आप चैटिंग या फिर बात नहीं कर पाते हो और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर ऐसा होता है आपकी लाइफ में तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि पावर बैंक और ये 10 मिनट चार्ज करने के बाद दस घंटे चलेगा आप इसको खरीद लीजिए बस पाँच में अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डायल करिए नाइन ऐसे थैंक यू सो मच गाइज फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो एक्चुअली ये देखिए मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ बल्कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये क्या है दिस इज माई एक्चुअली प्रेजेंटेशन क्या है प्रेजेंटेशन ये मेरी स्पीच नहीं है मेरी क्या है प्रेजेंटेशन है प्रेजेंटेशन एंड स्पीच सॉरी प्रेजेंटेशन एंड स्पीच दोनों समथिंग सिमिलर टाइप के होते हैं बट आज मैं आपको इसके बीच का माइन्यूट डिफरेंस बताने वाला हूँ देखिए एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं ऐसे मिनट वही वर्ड को हम पढ़ते हैं माइन्यूट क्यों पढ़ते हैं अगर आपको पता कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा ये होता है मिनट ये होता है माइन्यूट या फिर ये मिनट होता है वो माइन्यूट होता है क्यों होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले स्पीच एंड प्रेजेंटेशन क्या होता है इसके डिफ्रेंसिस के बारे में नॉर्मली देखने वाला है क्लियर चलो तो ये खरीदना नहीं है बस ऐसे ही बता दिया चलिए देखते हैं तो सबसे पहले देखिए प्रेजेंटेशन क्या होता है प्रेजेंटेशन जो होता है ना ये होती है इंफॉर्मेशन वट इज दैट दमेशन एक इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम स्पीकर राइट प्रजेंटेशन इज इंफॉर्मेशन राइट क्या होती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्पीकर स्पीकर से क्या होती है इंफॉर्मेशन होती है टू ऑडियंस टू ऑडियंस एक क्या करता है इंफॉर्मेशन होती है जिसमें ऑडियंस को दिया जाता है इंफॉर्मेशन इस तरीके से ध्यान से एक चीज़ देखिएगा प्रेजेंटेशन की हिंदी जो होती है उसको कहते हैं प्रस्तुति क्या कहते हैं प्रस्तुति तो इसी से हमें क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर कोई चीज़ प्रस्तुत करके हमको एक्सप्लेन करना है इस तरीके से करना है तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है इन प्रेजेंटेशन विजुअल सोइंग होता है यानी कि विजुअल visual, विजुअली तरीके से उनको दिखाकर फिर प्रेजेंट करा जाता है किसी भी चीज़ को या एक्सप्लेन करा जाता है तो वहाँ पर क्या कहलाता है प्रेजेंटेशन कहलाता है आई थिंक दैट आप लोगों ने देखा होगा जैसे स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं क्या होते हैं स्मार्ट बोर्ड होता है या फिर प्रोजेक्टर होता है राइट right? स्मार्ट बोर्ड होता है या फिर प्रोजेक्टर होता है वहाँ पर क्या होता है चीज़ों को क्या करते हैं उसमें कुछ ऑलरेडी पीपीटी होते हैं जिसको दिखाकर एक्सप्लेन कर रहता जाता है लोगों को बताया जाता है स्मार्ट बोर्ड पर जैसे क्लासेस चलती हैं आपने देखा होगा तो ऐसे बनता है ये देखिए पावर पॉइंट होता है आप शायद जानते होंगे इसके बारे में पावर पॉइंट क्लियर पावर पॉइंट में मोस्टली क्या होता है प्रेजेंटेशन को रेडी करा जाता है प्रेजेंटेशन मतलब पीपीटी जो बैकग्राउंड में चलता है ना ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है गाइज ये देखिए ऐसे ऐसे करके तो ये क्या होता पे है पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर जाता है प्रिपेयर करने के बाद बैकग्राउंड में आ जाता है जिसको हम विजुअल शोइंग के जरिए उसको हम दिखाते हैं और क्या होता है इसमें विजुअल एड्स क्या होते हैं इसमें विजुअल एड्स होते हैं क्लियर जबकि इसमें इस तरीके की चीज़ें नहीं होती यानी कि विजुअल शोइंग नहीं होती ना तो विजुअल एड्स टाइप के होते हैं इसे इसमें क्या होता है एक्चुअली इन द प्रेजेंटेशन व्हाट हैपेंस दर इज अ स्मॉलर ग्रुप हम कह सकते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल क्लियर इसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोग कम होते हैं इट मीनस दैट ऑडियंस क्लियर ऑडियंस मोस्टली क्या होता है ज़्यादातर मैंने कह ना हमेशा कम ही होते हैं बट आई एम सेइंग दैट मोस्टली द पीपल आर समथिंग लेस इन दिस एक्चुअली इन द प्रेजेंटेशन अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें क्या होते हैं लेस होते हैं और इसमें क्या होता है प्रेजेंटेशन में इंट्रोड्यूसिंग होती है क्या होती है इंटरड्यूजिंग क्लियर प्रजेंटेशन में एंटरटेजिंग होती है और यहाँ पर देखिए ऐसे मिटा के मैं लिखूँ इसमें और प्रजेंटेशन में क्या होता है डिमोन्स्ट्रेशन होता है डिमोन्स्ट्रेशन क्लियर किसी भी चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन किया जाता करा जाता है इसमें और इसमें क्या होता है एडवर्टीजमेंट होती है क्या होती है एडवर्टीजमेंट होती है क्लियर और इसमें डेटाज डेटाज को क्या करता है डेटाज आर गिवन बाय विजुअल विजुअली क्या करता है डेटा को दी दिया जाता है तो आई होप दैट आपको प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा चलिए हम स्पीच की तरफ देखते हैं देखो जो स्पीच होती है ना स्पीच इज़ नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली दिस इज़ नॉट विजुअल सोइंग क्या होता है इसको विजुअल शो नहीं करा जाता है स्पीच को ये जो होता है ये ह्यूज क्राउड क्लियर इसमें ह्यूज क्राउड होता है यानी कि काफ़ी मतलब जनता ज़्यादा होती है कम भी हो सकती है ऐसी बात नहीं जरूरी नहीं कि अगर इसमें इसमें अगर पाँच है इसमें पचास है तो ये है अगर इसमें तीस हो गया है दस हो गया तो ये स्पीच नहीं है दिस इज नॉर्मल एग्जैक्टली लिमिटेड यू इसमें क्या होता है मैंने बताया कि ऐसे सामने कुछ होता है फिर एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में ऐसे बताते हैं फिर कोई चीज़ लेकर एक्सप्लेन करा जाता है बट इसमें क्या होता है राइट right? इसमें सिंगल पर्सन होता है सिंगल तो उसमें भी होता है राइट right? सिंगल जो स्पीकर रहता है पर्सन रहता है वो क्या करता है ऑटोमेटिकली आके एक माइक रहेगी या फिर यहाँ पर लगे रहेगा उसको क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं इस तरीके से गैस हेलो गाइज नमस्ते नमस्कार हेलो एंड वेलकम जय माय नेम इज जितेंद्रा और आप देख रहे हैं ऐसे करके राइट right? इस तरीके से क्या करता है वो एक्सप्लेन करता है तो दिस इज़ कॉल एक्चुअली ये क्या होती है स्पीच होती है और इसमें क्या होता है मैंने कहा ना एक नॉर्मली एक व्यक्ति आता है और उसको करके उसको बोलता है और इसमें मोस्टली देखिए इसमें विजुअल होता है इस तरीके से जबकि इसमें विजुअल नहीं होता है इसमें लोगों को क्या किया जाता है पज्वे जुएट किया जाता है लोगों को मतलब समझाया जाता है इस तरीके से क्लियर और इसमें क्या करा जाता है करा जाता है इसमें भी परजुएट कर सकते हैं इसमें भी एंटरटेन किया जाता है क्या करा जाता है इसमें लोगों को इंटरटेन किया जाता है यानी परजुएट किया जाता है एंटरटेनमेंट किया जाता है इस तरीके से लोगों को और इसमें भी आप इंटरटेन कर सकते हैं राइट बट वेरी लेस एग्जैक्टली नॉट मच इन मोर इसमें क्या होता है आपने देखा होगा ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं पाँच मिनट का टाइम मिलता है लोगों को हंसाने का तो एक स्पीच देते दे हैं नॉर्मल से और सबको हंसाते हैं ये क्या होता है ये क्या कोई प्रेजेंटेशन है नो दैट्स नॉट प्रेजेंटेशन दैट इज स्पीच आप कह सकते हैं क्लियर राइट right? इस तरीके से होता है तो ये देखिए क्या होता है स्पीच नॉर्मली होती है और इसमें देखिए क्या होता है स्पीच में इंफॉर्मेशन uh, आप दे भी सकते हैं ऐसा करके बट नॉर्मली लिस्ट माना जाता है बट मोस्टली इन दिस एक्चुअली इन्फॉमेशन ज़्यादातर शो करी जाती है इसमें भी करा जाता है बट समथिंग नॉट लाइक दैट ओके ये होती है एंटरटेन करा जाता है परसवेट करा जाता है राइट right? लोगों को कन्विंस किया जाता है क्लियर इसमें लोगों को इंस्पायर किया जाता है इसमें ऐसे क्लियर लोगों को इंस्पायर किया जाता है और लोगों को इसमें मोटिवेट किया जाता है क्या किया जाता है मोटिवेट किया जाता है तो ये सारे जब जो आते हैं राइट right? ये सब जो टर्म्स आते हैं दीज ऑल एक्चुअली कम्स इन द स्पीच नॉट इन प्रजेंटेशन बट समी मेचरी समथिंग यू नो सिमिलर दैट जैसे कुछ सिमिलस होते हैं जैसे इसमें भी आप इंटरटेन कर सकते हैं समझा सकते हैं क्योंकि हम अगर कोई चीज़ समझा रहे हैं विजुअली तरीके से तो हम मतलब उसका हम कन्विंस ही कर रहे हैं क्लियर इस तरीके से अगर कन्विंस कर रहे हैं उससे हो सकता है वो लोग इंस्पायर हो जाए इस तरीके से कलिए अब बता रहे हैं जैसे हम ऐसा स्पीच देते कहते गाइज यू कैन डू समथिंग स्पेशल इन योर लाइफ यून टू गो अहार प्लीज ट्राई टू स्टडी ट्राई टू गो अर ट्राई टू नो कंटिन्यूसली स्टडी ऐसे बोलते हैं तो आप बताना प्रेजेंटेशन में ऐसे आप ऐसे बोलेंगे नहीं ना सो so, right? so, दिस आप तो मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको लगेगा हाँ भाई आज तो मैंने कुछ सीखा है चलिए तो दिस ऑल नाउ लेट मी टेल यू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है सबसे पहले देखिए एक वर्ड होता है स्पीक क्या होती है स्पीक स्पीक का मतलब क्या होता है बोलना इसी स्पीक से बना है स्पीच स्पीक एक वर्ब फॉर्म होती है जबकि स्पीच क्या होता है एक नाउन फॉर्म होती है इस तरीके से क्लियर ये देखिए होता है ये बना है प्रेजेंट कैसे बना है प्रेजेंट प्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करना इस तरीके से और इसी से बना है प्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं प्रस्तुति लेकिन स्पीक का मतलब बोलना होता है और स्पीच का मतलब भाषण मतलब जितनी सारी चीज़ें हम बोल देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है स्पीच कहलाता है Let me just tell you about this exactly. सबसे पहले देखिए स्पीक होता है क्या होता है स्पीक जब हम स्पीक करते हैं तो वो क्या बनती है हमारी स्पीच बनती है क्या बनती है स्पीच अब देखना इस स्पीच को जो देते हैं ना उसको हम कहते हैं स्पीकर क्या कहते हैं स्पीकर कहते हैं नेक्स्ट प्लीज ये जो स्पीक है ना इसको हम कई तरीकों से बोल सकते हैं इस तरीके से जैसे आप कह सकते हैं से भी आता है आप इसको टेल भी कह सकते हैं आप इसको अटर भी कह सकते हैं इस तरीके अटर उत्तर मत पड़िएगा अटर इस तरीके से क्लियर आप इसको एक्सप्रेस क्या कह सकते हैं एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और आप इसको एक्सप्लेन भी कह सकते हैं इस तरीके से क्लियर एंड आप स्पीक को आप एलिस्ट्रेट भी कह सकते हैं एलिस्ट्रेट इस तरीके से क्लियर एलिस्ट्रेट कह सकते हैं आप स्पीक को डिसक्लोज भी कह सकते हैं

इसको कहते क्या कहते हैं ऑरेशन कहते हैं और क्या कह है? सकते हैं इसको स्पीच भी कह सकते हैं नेक्स्ट देखना अब इसी को हम प्रेजेंटेशन भी कह सकते क्योंकि स्पीच एंड प्रेजेंटेशन नॉर्मली सेम होता है इस तरीके से क्लियर बट थोड़ा सा डिफरेंस माइनिट होता है मैंने आपको बताया इसको ऑरेशन भी कहते हैं नेक्स्ट जो देखिए स्पीच से बना मतलब स्पीक से बना स्पीकर और से ऑरेशन से बनता क्या बनता है ओरेटर क्या बनता है ऑरेटर फॉर एग्जाम्पल अगर आप अच्छी स्पीच देते हो तो मैं आपको कह सकता हूँ वाव ग्रेट यू आर ग्रेट ऑरेटर बाड़ी या आर ग्रेट रियली राइटर आर स्पीकर तो ऐसे करके मैं बोल सकता हूँ ऑडिटर करके क्लियर अब देखना ऑडिटर को हम देखिए बहुत सारे तरीकों से कह सकते हैं देखिए ऑडिटर को हम कह सकते हैं स्पीच ऐसे स्पीची फायर क्या कह सकते हैं स्पीची स्पीची फायर कह सकते हैं ऑडिटर यानी स्पीकर को स्पीची फायर भी कह सकते हैं और हम ऑडिटर को स्पेल बेंड क्या कह सकते हैं स्पेल बेंड हम स्पीची फायर भी कह सकते हैं और हम ऑडिटर को स्पेल बेंडर क्या कह सकते हैं स्पेल बेंडर हम स्पेल बेंडर भी कह सकते हैं और इसको हम और कह सकते हैं जिसको कहते हैं डैमगक क्या कह सकते हैं डैमगक इस तरीके से यानी स्पीकर को हम डैमगक इस तरीके से डेमगक ऐसे बोल सकते हैं क्लियर नेक्स्ट इसका होता है जिसको कहते हैं रेटोरियन क्या होता है रिछर तो रिछारेन का मतलब होता है स्पीकर इस तरीके से बोल सकते हैं यानी कि भाषण देने वाला या खाता वक्ता उसको स्पीकर हैं यानी स्पीकर को ओरेटर स्पीची फायर स्पेल बेंडर डेमग हो गया आप कह सकते हैं और स्पीच को ओडिशन स्पीक को ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हम कह सकते हैं क्लियर है एंड आई होप दैट आपको ये सारी नॉर्मल सी चीज़ें आपको स्पीच के बारे में स्पीक स्पीक uh, के बारे में स्पीकर के बारे में समझ में आया आप इसको स्पीकर को हम लोग प्रजेंटर भी कह सकते हैं क्लियर प्रेजेंटर भी कहते हैं कि प्रो प्रेजेंट करता है इस तरीके का क्लियर एंड आई होप दैट आपको ये समझ में आएगा नॉर्मल सी छोटी चीज़ें आपको और बता देता हूँ उसके बाद आप समझ जाएंगे नॉर्मल सा बेसिक नॉलेज अबाउट दिस एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं एक्चुअली आर्ट ऑफ स्पीकिंग वर्ट इज दैट आर्ट ऑफ स्पीकिंग दैट इज एक्चुअली क्या कहते हैं आर्ट ऑफ स्पीकिंग होती है क्लियर इस आर्ट ऑफ स्पीकिंग को एक अलग टर्म से हम करते हैं जिसको कहते हैं ओर क्या बोलते हैं ऑरेटरी ऑरेटरी को हम लोग क्या कह सकते हैं आर्ट ऑफ स्पीकिंग कह सकते हैं और इसी ओरेट्री को एयर एक और तरीके से हम बोल सकते हैं जिसको कहते हैं एक्चुअली रिथोरिक क्या कह सकते हैं रिथोरिक वैसे रिथोरिक uh, मतलब बुलंद आवाज़ की तरह हो जाएगा इसी तरीके तो से तो आर्ट ऑफ स्पीकिंग से रिलेटेड ऐसा होता है यही बोलने की कला ये भी बोलने की कला आर्ट ऑफ स्पीकिंग जिसको हम कह सकते हैं रिथोरेसियन इसी रिथोरिक से बना है रिथोर करना ऐसे. तो आई होप दैट गाइज थैंक यू सो मच आपको समझ में आएगा वीडियो अगर समझ में आता प्लीज सब्सक्राइब करें जीतेंगे इस चैनल को इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहेगी नेक्स्ट वीडियो इस रिलेटेड मैं बनाने वाला हूँ पार्ट टू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ थैंक यू ऑल द बेस्ट हेवे गुड डे मिलते हैं अगले वीडियो में